नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा हाजिर हूँ आप सभी के सामने आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? अब हम बात करने वाले हैं राशि नंबर 5 सिंह राशि के बारे में। अगस्त का महीना सिंह राशि के लिए किस प्रकार से जाने वाला है, इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों अगस्त महीने में सिंह राशि के लिए काफी चीजें यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि बहुत से ग्रहों का गोचर इस बार सिंह राशि में हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको ग्रहों का गोचर बता देता हूँ, उसके बाद में आपको क्या फल मिलेगा वो बता देता हूँ। दोस्तों अगर आपको ग्रहों के गोचर से कोई लेना देना नहीं है, वीडियो को थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करके फल आप जान सकते हैं। अगस्त महीने में सिंह राशि के लिए जो ग्रहों का गोचर रहेगा वो इस प्रकार है। सूर्य दोस्तों सिंह राशि में संक्रमण करेंगे, सूर्य का जो संक्रमण है वो सिंह राशि में रहेगा। और मंगल की अगर दोस्तों बात करें तो मंगल दोस्तों 10 अगस्त से सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध की अगर बात करें दोस्तों तो 3 अगस्त को बुध जो है कर्क राशि में गोचर करेंगे तथा 26 अगस्त को बुध जो है वो सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु की अगर बात करें दोस्तों तो गुरु यथावत वृश्चिक राशि में ही भ्रमण करेंगे तथा 4 अगस्त को गुरु मार्गी हो जाएंगे। शुक्र की अगर दोस्तों बात करें तो 16 अगस्त को शुक्र भी है जो सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। शनि की अगर बात करें दोस्तों तो शनि यथावत धनु राशि में ही भ्रमण करेंगे। राहु केतु की बात करें तो राहु क्रमशः मिथुन राशि में तथा धनु राशि में केतु रहेंगे। तो दोस्तों ग्रहों की इस स्थिति के आधार पर सिंह राशि के लिए कुछ मिला जुला फल यहाँ पर रहने वाला है। 70% अच्छा बोलूंगा तो 30% बुरा भी बोलूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो उन्हें थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी जरूर रखनी है दोस्तों, क्योंकि उनकी जो आदतें हैं परेशानियों के बारे में जो ज्यादा सोचते हैं, वो तिल का ताड़ जो बना देते हैं चीजों का, वो थोड़ा सा यहाँ पर उन्हें कमजोर कर सकती है, उन्हें थोड़ा सा अपने आप से हिला सकती है। तो उन्हें अपनी इस आदत पे थोड़ा सा संयम रखना होगा, उसके बाद कहीं ना कहीं ये महीना उनके लिए अच्छा जा सकता है। दोस्तों आइए बात करते हैं 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक का महीना किस प्रकार से रहेगा सिंह राशि के लिए। 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक दोस्तों द्वादश का चंद्रमा होने से आरंभ में कुछ कठिनाइयां यहां पर जरूर रहेगी। अगर हम बात करें दोस्तों तो कार्यों में आप थोड़ी सी पिछड़ सकते हैं, आप जो है काम में थोड़ा सा यहाँ पर लेजीनेस आ सकती है, और या फिर आपको आपके अनुरूप कार्य नहीं मिलेगा। जैसे आप पढ़ाते मैथ्स हैं और आपको मिल गया हिंदी, तो वहां पे आपको कुछ कठिनाइयां यहाँ पर हो सकती है। 4 अगस्त के बाद करीब 5 अगस्त से आपका जो ये महीना है ये कहीं ना कहीं अच्छा लाभ यहाँ पर देना शुरू कर देगा। आपकी आय बेहतर हो जाएगी, आपको आपके पसंद का काम मिल जाएगा, और यहाँ से फिर आगे के बाकी के दिन अच्छे निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। 11 अगस्त की अगर दोस्तों बात करें तो मंगल प्रवेश कर चुका होगा। 11 अगस्त से 20 अगस्त की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, मंगल आपकी राशि में प्रवेश कर चुका है, चंद्रमा की अनुकूलता यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं अच्छा समय यहाँ पर शुरू हो चुका है। संतान पक्ष से भी आपको प्रभाव होगा, अच्छा लाभ मिलेगा, और सूर्य के प्रवेश के बाद आपका प्रभाव जो है दोस्तों एकदम से बढ़ जाएगा। नए कार्य आपको यहाँ पर मिलेंगे, एनर्जी जो है वो आपकी डबल हो जाएगी। यहाँ पर कुछ दिक्कतें, हल्की हल्की दिक्कतें यहाँ पर आ सकती है, व्यापार में थोड़ी सी मंदी रह सकती है, पर बाकी सारा ये समय अच्छा है। 1-2 दिन तो समय खराब होता है, 10 दिन में से 2 दिन खराब है तो कोई गम की बात नहीं है। 21 अगस्त से 31 अगस्त की दोस्तों अगर बात करें तो सूर्य शुक्र मंगल का जो है वो आपकी राशि में गोचर है, चंद्रमा का पूर्ण समर्थन यहाँ पर आपको मिल रहा है, तो इन 10 दिनों में डेफिनेटली कोई ना कोई आप बेहतरीन कार्य करेंगे, कोई बड़ा काम करेंगे, और सभी प्रकार से अनुकूल समय है दोस्तों, सभी प्रकार से अनुकूल समय है। जो भी करना है 10 दिन है आपके पास, आपका जो मन करे आप कर सकते हैं। बहुत लाभ का काम यहाँ पर आपका होगा, आय अच्छी रहेगी, और कहीं ना कहीं 5 ग्रह जो हैं वो एक राशि में गोचर कर रहे हैं, तो समय यहाँ पर आपका अनुकूल बना दिया। चंद्रमा की जो दृष्टि है, चंद्रमा का जो गोचर है, वो बहुत लाभ का यहाँ पर आपके लिए हो रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दोस्तों अगर बात करें कि अगर आप नौकरी करते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, बट उसके बाद समय आपके पक्ष का है। विवाद से बचिएगा, विवाद मत करिएगा, अपनी बोली पे थोड़ा सा यहाँ पर नियंत्रण करिएगा। व्यापार की बात करें दोस्तों तो डेफिनेटली कोई नई डील आप यहाँ साइन कर सकते हैं, नया व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं व्यापार में अच्छा लाभ आपको यहाँ पर जरूर मिल सकता है। पारिवारिक माहौल उत्साहपूर्वक रहेगा, कहीं ना कहीं मांगलिक कार्य आप यहाँ पर कर सकते हैं, कोई भी विवाद यहाँ पर होने की संभावना नहीं है। रिश्तेदारों को आगमन हो सकता है, आप जा सकते हैं, और माता पिता का स्वास्थ्य यहाँ पर अच्छा रहेगा, तो कुल मिला के पारिवारिक माहौल यहाँ पर अच्छा रहेगा।
सेहत की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सेहत आपकी अच्छी रहेगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एलर्जी का यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए दोस्तों, कि अगर आपको किसी चीज़ की एलर्जी है तो वो कार्य आप न करें या वो चीज़ आप न खाएं। दाम्पत्य जीवन की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर एक नई ऊर्जा आपके अंदर आएगी, तो डेफिनेटली दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे आप अपनी दिल की बातें यहाँ पर शेयर कर पाएं। संपत्ति की दोस्तों बात करूं तो दोस्तों संपत्ति में यहाँ पर थोड़ा सा एक सौदे कहीं उलझ सकते हैं, थोड़ा सा डिले हो सकता है। धैर्य से काम लें, संयम से काम लें, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर आपका समय अच्छा हो सकता है। दोस्तों अगर इतना अच्छा होने के बाद भी और सारे ग्रहों का गोचर आपके साथ होने के बाद भी अगर आपका समय अच्छा नहीं जा रहा है, तो आप ऐसा क्या करें जिससे आपका समय यहाँ पर अच्छा हो जाएगा? दोस्तों आप रोज तुलसी को जल चढ़ाइए और किसी गरीब को आप अन्नदान करें, आपका ये महीना काफी अच्छा यहाँ पर जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कोई और भी अगर समस्या आपको आ रही है, आपके जीवन में कोई भी समस्या है, आप प्रॉपर सॉल्यूशन चाहते हैं उसका, आप प्लीज मुझसे बात करिए। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी यहाँ पर मदद कर सकूँ। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपके भी कोई दोस्त हैं जो सिंह राशि के हैं तो प्लीज़ ये वीडियो उन्हें भी फॉरवर्ड करिएगा, ताकि वो भी अपना महीना प्लान कर सके, अपने महीने को और अच्छा यहाँ से बना सके। धन्यवाद।